तो बीते चार महीनों से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। बुधवार को संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के नाम एक चिट्ठी भी लिखी थी और सभी कैंसिल ट्रेनों को पुनः चालू करने की मांग की थी। गुरुवार को उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को चिट्ठी लिखकर फिर से अपनी मांग को दोहराया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि यदि रेल मंत्रालय छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा ही रुख अपनाते रहेगा तो जल्दी ही जोन कार्यालय और दिल्ली स्थित रेलवे मंत्रालय में जाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। दूसरी तरफ जोगी कांग्रेस ने भी आज इस मामले में मोर्चा खोल दिया। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल में रेल मंत्री और छत्तीसगढ़ के सांसदों का पुतला जलाने की कोशिश की। देखिए, ट्रेन आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है और इस विषय पर कहाँ जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। आज जनता को असहूलियत हो रही है, जनता की सहूलियत का बात है, जनता के जेब में जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उसकी बात है। लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, तमाम ट्रेनें बंद है और इसकी बात करने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तैयार नहीं है अपने केंद्रीय नेतृत्व से। 10-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से है, 10-10 सांसद हैं, 9 लोकसभा से जीते हुए और एक राज्यसभा से हैं। आज मैं उनको चिट्ठी लिखा है हमने और बात मांग की है कि आप केंद्र अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और छत्तीसगढ़ की इन ट्रेनों को चालू करने की बात करें। और अगर वो नहीं इस बात को मानते हैं तो मैं यहाँ से बिलासपुर जीएम ऑफिस तक मैं पदयात्रा करके जाऊंगा, वहां अपनी बात को रखेंगे। वहां बात नहीं हुई तो हम दिल्ली तक जाएंगे, वहां के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। लगातार कैंसिल होने से जहां कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है, वहीं अब जोगी कांग्रेस ने भी आज धरना स्थल पर रेल मंत्री और सांसदों का पुतला दहन किया है और उनके पुतले को घसीटा भी जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस पुतले को लेकर जा रही। इससे पहले जो जोगी कांग्रेस ने पुतला दहन किया था लेकिन पूरी तरीके से पुतला जल नहीं पाया और पुलिस ने उस पर पानी छिड़क कर उसे बुझा दिया। और यहाँ पर अभी जोगी कांग्रेस के सदस्य भी हैं, वहीं पुलिस के लोग भी हैं और एक जो धरना प्रदर्शन है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। बीते कई महीनों से जो है ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला भी चल रहा है और आप लोगों ने आज यहाँ पर पुतला जलाया है, क्यों पुतला जलाया? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश भर में, प्रदेश भर में जो रेल की जो अव्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी है, ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों निकम्मी सरकार है, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में करीब 15 से 20 लाख जो हमारे जो यहाँ के जो साथी हैं, जो रहवासी हैं, वह प्रभावित हो रहे हैं। आज समय तीज त्योहार का है, आज समय शादी ब्याह का है, आज समय खेती बाड़ी का है, आज उनके ट्रेन रद्द कर दिए जा रहे हैं। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? रोटी मजदूरी जो करने वाला व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? ये दोनों सरकार सिर्फ और सिर्फ आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो है लगातार जो है छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानियां हो रही है और जिसका अब नजारा जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज जो है विकास उपाध्याय ने भी ऐलान किया कि वह आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे यदि सभी ट्रेनें सुचारू रूप से संचालित नहीं हुई तो। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH News, रायपुर।